मुस्तैदी से और पुलिस वहाँ पर पास में मौजूद थी, उसमें से एक क्रिमिनल को अरेस्ट कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी। लूट कितने की है? नहीं, अभी तक ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे उनके मालिक से भी बात हुई है ना, वो अभी रिटर्न में दे रहे हैं, उसके बाद ही कुछ बात क्लियर। मुजफ्फरपुर जिले में एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों ने शहर के एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। शहर के अति व्यस्त इलाके नगर थाना क्षेत्र के सरैया घज टावर के समीप तीन अपराधियों ने एक आभूषण दुकान को निशाना बनाया, जिसमें बेखौफ अपराधियों ने दुकान में पिस्टल के बल पर कर्मचारी से दुकान के अंदर लाखों के आभूषण को लूट लिया है। वही दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से दुकान मालिक घर बैठे सारी गतिविधियों को देख रहा था। उसके बाद दुकानदार ने पड़ोस के दुकानदार को फोन कर इसके बारे में घटनाक्रम को बताया है। अभी का बहुत बड़ी खबर अभी आपको बता रहे हैं, जिसमें से तीन अपराधी पहुंचे थे, घटना को अंजाम दिया था, जिसमें से दो अपराधी भागने में सफल रहे हैं, वही एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी का बहुत बड़ी खबर मुजफ्फरपुर जिला का अभी अपडेट अभी आपको प्रकाशन लाइव पर देखने को मिल रहा है। वही पूरे घटनाक्रम को सीसीटीवी में कैद भी कर लिया गया हुआ है, वो भी आपको कुछ देर के बाद अपडेट अभी आपको बताएंगे। फिलहाल अभी का अपडेट अभी आपको बता दें, यह बहुत बड़ी खबर अपडेट अभी आपको बता रहे हैं। वही पूरे घटना पर क्या कुछ मालिक जो है आभूषण के कारोबार करते थे उनसे बात करने के दौरान उन्होंने क्या कुछ कह रहे हैं, पूरे मामले पर खुद सुनिए। नज़दीक खड़ा थे और दो आदमी शीशा वाला गेट खोल के अंदर घुसा। उसके बाद जो है अंदर घुसा तो हम पूछे क्या बात है भैया, हम समझे कि व्यापारी वगैरह भी आते हैं, हेलमेट पहने हुए थे, मुंह तोपे हुए थे। उसके बाद जो है अंदर घुसे और आधे घुसने के बाद जो है हम पे रिवॉल्वर निकाल के तान दिए। उसके बाद एक दो पड़ाका पहले ही मार के हमको कहने की चाबी निकाल। भैया हम स्टाफ आदमी हैं, मेरे पास चाबी कहाँ से आएगा, मालिक के पास चाबी रहता है। तो फिर 5-7 पड़ाका मार के बोला कि चाबी निकाल, लेट नहीं कर, नहीं तो दाग दूंगा। हम बोले भैया हमको दाग के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लीजिए हमको दाग दीजिए, हम गरीब आदमी हैं, लेबर क्लास के आदमी हैं और हमको आप दाग के भी कुछ नहीं कर पाइएगा, मालिक का अति है। फिर देखे कि नहीं एकदम तैयार हो गया दागने के लिए, तो लास्ट में चाबी खोल रहा है कि दागूँ, तो हम चाबी खोल के अलमारी खोल रहे थे, किसी भी तरह चाबी खोज खोज के निकाल रहे थे। तो वो कह रहा है कौन जी लेट लगा रहा है, ये दिमाग लगा रहा है, इसको दूसरा आदमी बोल रहा है उसी के साथ जो था कि इसको दागो, इसके पास सब चाबी है, क्या कन्वीन्स है भगवान जाने। उसके बाद जो है यहाँ के ज्वेलरी जो है लिया है। उसके बाद जो सीसी कैमरा में वहाँ मैं मालिक हमको देख लिए, वो फ़ोन कर दिए मन्नू जी बर्तन दुकान, वो आए तो तीनों यहाँ प्रेजेंट में था। निकलते हुए दो आदमी धक्का, गेट लॉक था तो लॉक किसी भी तरह घींचा है तो गेट खुल गया है शीशा वाला, उसका तीनों आदमी धक्का मारते हुए निकला है। हाँ, उसके बाद जो है दो आदमी फरार हो गए जो माल लिए हुए थे, और उसके एक आदमी जो था उसके साथ है जो काला रंग का वस्त्र पहने हुए है कपड़ा, वो जो है उधर आ गया है, वो था। कितने का लिया है लोगों? ये तो मालिक बताएंगे, ये सब आंकड़ा दो 4 लाख का ऊपरे का सामान। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। अच्छा, ये कितना सोना चांदी दोनों था, क्या क्या था? चांदी ज्यादा है, सोना कम। कैसे तो पायल है, अंगूठी है, कटोरा है, चम्मच है, मछली है, कितना आइटम सर का है? मनोज जी नाम जी। उसमें क्या कुछ एक कुछ क्रिमिनल मुजफ्फरपुर में एक शॉप को लूटने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें जो है वहाँ के लोगों की मुस्तैदी से और पुलिस वहाँ पर पास में मौजूद थी, उसमें से एक क्रिमिनल को अरेस्ट कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी। लूट कितने की है? नहीं, अभी तक ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे उनके मालिक से भी बात हुई है ना, वो अभी रिटर्न में दे रहे हैं, उसके बाद ही कुछ बात क्लियर। अपराधी की संख्या भी तरह हथियार वगैरह बरामद की सूचना है? अभी तक के जो भी है एक क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। सर, ये दिन दहाड़े लूट हुई है, पुलिस के लिए चुनौती है? पुलिस के लिए यही चुनौती है कि हमने उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया और आगे के लोगों को अरेस्टिंग करना है।